आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की डायल 10 के 589वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत। चुनाव चल रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया जारी है। आज 3 नवंबर, अब 14 दिन कुल बचे हुए हैं और इन 14 दिनों में प्रत्याशी क्या करेंगे, किस तरह से मतदाताओं को लुभाएंगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल काम। फिलहाल आज हम आपको बता रहे हैं 2 नवंबर को, अर्थात कल, बीते हुए कल में चुनाव चिन्ह आवंटित हुए हैं, प्रत्याशियों के द्वारा नाम वापस लिए गए। उसके बाद क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या स्थिति बन रही है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। चारों विधानसभाओं का लेखा जोखा अगर हम आपको बताएं तो चारों विधानसभाओं में, बात सबसे पहले सिवनी विधानसभा की करते हैं। कांग्रेस से आनंद पंजवानी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी से दिनेश राय मुनमुन, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से अंकित सिंह बघेल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से रंजीत रामदास वासनिक, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी से शबाना सोना खान, निर्दलीय, अब इसके बाद जो निर्दलीय है सारे, अजय ओमकार सिंह बघेल, तिलक सिंह जाटव, तीरथ सिंह चंदेल, मकबूल शाह, मुनव्वर खान, लता मोहम्मद, शादाब पटेल, ये सिवनी विधानसभा की स्थिति है। 12 प्रत्याशी फिलहाल मैदान में हैं और इन 12 प्रत्याशियों के मैदान में होने में, हम आपको बता दें, दिनेश राय एक बार निर्दलीय 2013 में चुने गए, 2018 में उसके उपरांत वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट उन्हें दी गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें मैदान में उतारा गया और भारतीय जनता पार्टी से वे विजयी हो गई। कांग्रेस की अगर बात करें, आनंद पंजवानी अपेक्षाकृत युवा है, उनका अभी संसदीय कोई इतिहास नहीं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जिले में रहे हैं, उनके पास ऐसा कुछ, उनके ऊपर आरोप कोई इस तरह के नहीं है कि उन्होंने आज तक कहीं कोई गलत काम या जैसे आरोप कह लें, वे फिलहाल आनंद पंजवानी के ऊपर एक भी दिखाई नहीं देते। बात भारतीय जनता पार्टी के दिनेश राय की जाए तो दिनेश राय 2 बार के विधायक हैं और दोनों बार विधायक होना बड़ी बात होती है, वो भी जिला मुख्यालय का विधायक होना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि अगर आप जिला मुख्यालय के विधायक हैं तो आप अन्य विधायकों की तुलना में आपका कद, ऐसा अपरोक्ष रूप से, ये कहीं लिखित संविधान में नहीं है, पर परोक्ष रूप से माना जाता है कि आप काफी हद तक प्रभावशाली हो सकते हैं। हमने आपको इसके पहले लिमिटी की लालटेन में बताया कि सिवनी विधानसभा के मुद्दे क्या हो सकते हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र पिछले लगभग 20-30 सालों में विकसित नहीं हो पाया है। जिला मुख्यालय में डालडा फैक्ट्री के पास औद्योगिक क्षेत्र है, वो औद्योगिक क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। वहां पर किन उद्योगों के लिए जमीन आवंटित की गई है, वहां किस तरह के उद्योग चल रहे हैं, जिस उद्योग के लिए जमीन आवंटित की गई वे उद्योग वहां चल भी रहे हैं कि नहीं पता नहीं। भोरकल कापा जो पंडला रोड पर है, वहां पर लगभग 1001 हेक्टेयर जमीन है और जिसमें 22 उद्योग भर काम कर रहे हैं, किसी का उद्योग रोजगार की तरफ ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतर चुकी है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज, ये सब लोग यहाँ पर चाह रहे हैं, यहाँ पर रहा है। 4 लेन जर्जर हो चुकी है, रेलवे के साधन ट्रेन सिवनी में पर्याप्त नहीं है, बहुत सारी ऐसी, शिक्षा की अगर बात की जाए, शिक्षा के मामले में भी सिवनी बहुत संपन्न नहीं है। तो ये हमने 2 आपको बताया कांग्रेस और भाजपा की तरफ से। अब राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी की तरफ से अंकित बघेल हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से रंजीत रामदास वासनिक परघाट नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। उनके कार्यकाल में उन पर आरोप है बहुत बड़े घोटाले, उनके कार्यकाल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इस तरीके के आरोप उनके ऊपर है, प्रकरण अभी भी जारी है और वे परघाट विधानसभा छोड़कर वे सिवनी विधानसभा में आए। सिवनी विधानसभा में उन्हें अपनी पहचान बनानी होगी क्योंकि नगर पंचायत परघाट कार्यक्षेत्र अलग।
नगर पालिका सिवनी विधानसभा सिवनी कार्यक्षेत्र अलग है, सिवनी विधानसभा में नगर पंचायत बरघाट में ही आती है। अब अगर हम बात करें केवलारी की, तो केवलारी में कांग्रेस से रजनीश हरवंश सिंह, भारतीय जनता पार्टी से राकेश पाल सिंह, गणा सुरक्षा पार्टी से जय कुमार, महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी से सतीश नाग, इसके अलावा निर्दलीय की फेहरिस्त में डॉक्टर सतीश नाग, आनंद बघेल, कलीमुद्दीन, गजेंद्र सिंह, टेकचंद बरमैया, प्रीतम उइके, भीम लोधी, डॉक्टर सुनील राय, संजय मिश्रा। इस तरह देखा जाए तो कुल 12 प्रत्याशी केवलारी विधानसभा से मैदान में। अब केवलारी विधानसभा की अगर हम बात करें, तो केवलारी विधानसभा में कांग्रेस के रजनीश हरबंश सिंह 2013 में चुनाव लड़े थे। उसके पहले उनके पिता हरवंश सिंह वहां से जीता करते थे। उनके निधन के बाद रजनीश हरवंश सिंह को मैदान में उतारा गया 2013 में। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जो 4 बार के विधायक थे बरघाट से, परिसीमन में वो आरक्षित होने के कारण भी केवलारी गए, उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कुछ समय पहले थे राकेश पाल सिंह, राकेश पाल सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया और लगभग 28 सालों के बाद केवलारी विधानसभा सीट कांग्रेस के पंजे से खींचकर लाने राकेश पाल सफल हुए। 5 साल का उनका कार्यकाल है, रजनीत सिंह का भी 5 साल का कार्यकाल है। इसके अलावा जो भी प्रत्याशी केवलारी मैदान में है, उनका कोई ऐसा संसदीय इतिहास नहीं है। केवलारी के अगर मुद्दे आप देखें तो केवलारी में एक पुल बहा, बहुत बड़ा पुल बहा, उद्घाटन के पहले ही वो पुल बह गया, उसमें किसी का माल मौका नहीं हुआ। सिवनी विधानसभा में आपको बताना भूल गए, लाल माटी में पानी सबसे बड़ा एक मुद्दा है। इसी तरह माचागोरा डैम का पानी केवलारी के कलार बाकी और के आगे वाले क्षेत्र में पहुंचना अभी भी नहीं पहुंच पा रहा। केवलारी के पलारी क्षेत्र को, केवलारी विधानसभा के पलारी क्षेत्र को मिनी पंजाब कहा जाता है और वहां का किसान बहुत समृद्ध है। जैसे पंजाब में किसान समृद्ध हुआ करते थे, भीमगढ़ बांध के कारण पलारी क्षेत्र के किसान बहुत समृद्ध हैं, पर बाकी क्षेत्र में माचागोरा डैम का पानी नहीं पहुंच पा रहा। कोविड के काल में लगभग 11-12 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला हुआ था, जो मृत व्यक्तियों को सरकारी इमदाद 4 लाख रुपए की, उसमें 11-12 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। तहसीलदार, जिला कोषालय अधिकारी जैसे बड़े अधिकारियों की सहमति के बिना यह संभव नहीं। इस सब के बाद भी किसी बड़े अधिकारी का पाल पाका नहीं हुआ। इसी लोगों की जवाब पे ये चर्चाएं जबरदस्त तरीके से इस बार रजनीश हरबंश सिंह और राकेश पाल सिंह, रजनीश हरबंश सिंह कांग्रेस से हैं, राकेश पाल सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, और कुल मिलाकर बात यही सामने आ रही है कि कौन मतदाताओं को यहाँ लुभा पाएगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से यहाँ नामांकन उनका निरस्त हो गया है, कुछ स्कूटने में कुछ गड़बड़ियां पाई है। अब बात करें हम बरघाट विधानसभा की। बरघाट विधानसभा से कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, इस बार फिर उन्हें टिकट दी गई है भारतीय जनता पार्टी से। 2 बार के विधायक रहे कमल मस्कोले, जिन्हें पिछली बार टिकट नहीं मिली थी। कमल मस्कोले मैदान में 2 बार भी विधायक रहे हैं। अर्जुन सिंह काकोड़िया 1 बार विधायक रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से किरण मरकाम, संयुक्त क्रांति पार्टी से अनिल सिंह और राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से राजकुमार सरयाम, महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी से राजकुमारी ध्रुवे, बहुजन मुक्ति पार्टी से सावन कुमार, इसके बाद निर्दलीय की फेहरिस्त में अजय परते, यशपाल भलावी, सुनील विके, ये नाम सामने आए। कुल मिलाकर केवलारी में 12 और बरघाट में 10 प्रत्याशी मैदान। अर्जुन सिंह काकोड़िया जब सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उनका कद निश्चित तौर पर, सरकार जिसकी होती है उसके विधायक का कद बढ़ता है। अर्जुन सिंह काकोड़िया का कद बढ़ा, पर उनके खाते में बरघाट क्षेत्र की शायद अभी कमल मस्कोले 10 साल विधायक रहे, उनके खाते में भी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि बरघाट की नहीं रहेगी। इसके साथ ही एक बात और, हाल ही में दंगल के कार्यक्रम में 1 लाख रुपए चंदा देने की बात उनके द्वारा कही गई, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन, जानकारों का कहना है कि वो खुला उल्लंघन। इस पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ,
ये तो वक्त ही बताए। बरघाट की समस्या भी किसान आधारित, किसान बाहुल्य है, आदिवासी बाहुल्य है बरघाट क्षेत्र, तो किसानों के लिए वहां पर क्या किया जा सकता है। वैसे कृषि महाविद्यालय अगर खोला जाए तो बरघाट विधानसभा से उपयुक्त तो कोई दूसरा स्थान नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ सारे किसान लगभग ये माना जाए कि बरघाट विधानसभा में किसान मतदाताओं की, किसानों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए बरघाट को किसानों के लिए अगर वहां कुछ करना है सरकार को तो कृषि महाविद्यालय वहां खोला जा सकता है। बरघाट और सिवनी के बीच, सिवनी से बरघाट की दूरी 22 किलोमीटर है, सिवनी से कुरई की दूरी 35 किलोमीटर है। बरघाट विधानसभा में कुरई या बरघाट और सिवनी के बीच में कहीं खोला जा सकता है। बात करें लखना दौन की, लखना दौन आरक्षित सीट रही है और कांग्रेस का सदा से कब्जा रहा है 10 साल के लिए। शशि ठाकुर यहाँ विधायक चुनी गई हैं। वर्तमान में 2 बार के विधायक योगेंद्र सिंह एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के, जिन्हें पिछली बार बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से गोविंद सिंह, स्मार्ट इंडियन पार्टी से रामकुमारी इलवाती, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से संतर वालरी, इसके बाद निर्दलीय की फेहरिस्त में अयोध्या प्रसाद कुमरे, जगमोहन उइके, नेम सिंह परते, पतिलाल मस्कोले, पवन मूलचंद दुर्वे, सुखोईलाल उइके, इंजीनियर संतोष उइके, ये 12 प्रत्याशी यहाँ हैं। और अगर बात की जाए लखना दौन विधानसभा की, तो लखना दौन विधानसभा कांग्रेस का गढ़ था। वैसे तो कांग्रेस का गढ़ 90 के दशक के पहले जिले की 5 विधानसभाएं होती थी, जिसमें से 1 विधानसभा घनसौड़ परिसीमन में विलुप्त हो गई। तिलिस्म धीरे धीरे कांग्रेस का टूटता गया और कांग्रेस के तिलिस्म टूटने के साथ ही दूसरे दलों के द्वारा कब्जा किया जाता रहा। केवलारी को हरबंश सिंह ने सहेज कर रखा, पर हरबंश सिंह के पुत्र रजनीश हरबंश सिंह केवलारी को सहेज नहीं पाए। राकेश पाल सिंह वहां विजयी, बिमला वर्मा उसके पहले वहां से जीता करती थी, बिमला वर्मा को पराजित किया था भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती ने। इसी तरह लखना दौन कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2 बार शशि ठाकुर वहां से विधायक रही है भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद लगातार ही योगेंद्र सिंह वहां से विधायक हैं। अब इस बार ऊंट किस करवट बैठता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। आज 3 नवंबर हो गई है, 14 दिन बाकी हैं। 14 दिन में से अगर 4 या 5 दिन आप त्योहार के दीपावली के निकाल लें, धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, प्रथमा और द्वितीया, 5 दिन चुनाव प्रचार उस सरगर्मी से नहीं हो पाएगा जिस सरगर्मी से होना चाहिए। वैसे भी अभी ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पर कहीं ना कहीं इस ठंड के बावजूद चुनावी गर्माहट महसूस नहीं हो रही। ये स्थिति है सिवनी के चारों विधानसभा की, और मुख्य रूप से माना जा रहा है कि चारों विधानसभाओं आमने सामने की टक्कर, जैसा लोगों से चर्चा के बाद, नाम वापसी के बाद 3 नवंबर को काफी सारे लोगों से चर्चा की गई, सभी का यही मत था कि आमने सामने की टक्कर दिख रही है। मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा आपस में एक दूसरे के आमने सामने दिख रहे हैं, पर आज भी स्थानीय मुद्दों पर कोई बोलने को तैयार नहीं। फला प्रकोष्ठ के फला महामंत्री, फला प्रकोष्ठ के फला उपाध्यक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, नगर मंडल अध्यक्ष, ये पूरी तरह मौन है। क्यों? ये बात मतदाता को कहीं ना कहीं कचोट रही होगी कि स्थानीय मामलों में आखिर बोलने से कतराते क्यों। और एक बात और हम आपको बता दें, प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात से बेहतर तरीके से जानती है कि जब तक सुश्री विमला वर्मा सक्रिय राजनीति में रही, आमने सामने आरोप प्रत्यारोप हुआ करता था। यही कारण था हरीश चंद्रपाल जैसे सिवनी में नेता हुआ करते थे, और हरीश चंद्रपाल जैसे नेताओं के द्वारा स्पष्ट तौर पर सत्ताधारी दल के लोगों पर सियासी आक्रमण किए जाते हैं। मामला चाहे इरिगेशन का हो, सिंचाई विभाग का हो, लोक निर्माण विभाग का हो, जमाने में राज परिवार का हो, हरीश चंद्रपाल जैसे नेता सीधे सीधे बात किया करते थे। वे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को इंगित करते हुए कभी भी
कोई बात नहीं कहते थे। उनका स्पष्ट कहना था कि हमारी बात हमारा विधायक, हमारा सांसद, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में सक्षम है। हमारी आवाज हमारे विधायक या सांसद तक पहुंच सकती है, हमारी आवाज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कभी भी ना विज्ञप्ति उनके नाम से जारी करते थे, ना भाषणों में कभी उन्होंने इस बात का उपयोग किया है। ये सियासी नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। 14 दिन शेष हैं, जिसमें से 5 दिन त्योहार के अंदर निकाल दिए जाए तो 9 दिन का चुनाव प्रचार अब शायद बचा है, ऐसा लोगों का मानना है। और इन 9 दिनों में भी अब प्रत्याशी किस स्तर पर कैसे मतदाताओं को लुभाएगा, ये बात आने वाले दिनों में दिखाई देगी। शहर में प्रत्याशियों का जनसंपर्क किस तरह का चल रहा है, सोशल मीडिया में भी बराबरी की टक्कर नहीं दिख रही है। सोशल मीडिया में भी कोई आगे कोई पीछे नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रत्याशी का सोशल मीडिया हैंडल या जो भी सोशल मीडिया को हैंडल कर रहा है वो कुछ कमजोर नजर आ रहा है। किसका कमजोर नजर आ रहा है जनता बेहतर समझ सकती है। चुनाव के प्रचार में इससे खुलकर बहुत सारी बातें नहीं हो सकती। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। 17 नवंबर को मतदान है, अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ 589 वेब पर फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ लिमिटेड की लाइट देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। समाचार अखिलेश दुबे के साथ आपको लंबे बार की सुनने का बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत देना चाहेंगे। जय हिंद।